नवरात्रि व्रत के लिए बनाएंगे इजी इंस्टेंट जालीदार क्रिस्पी डोसा। इस डोसा को बनाने के लिए समय बहुत कम लगता है, ना तो इसे फर्मेंट करने की ज़रूरत है, ना तवे पे डाल के गोल गोल घुमाने की ज़रूरत है। इसी के साथ व्रत में खाई जाने वाली डोसा के साथ हरी चटनी भी शेयर की है मैंने। हाय, दिस इज सुधा तिवारी, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी अरोमा सुधा की रसोई। रेसिपी शुरू करते हैं। ये है सामा के चावल, जिसे व्रत के चावल कहा जाता है। सामा के चावल को वरई, कोदरी, समंत या समक चावल भी कहा जाता है। अंग्रेजी नाम इसका वार्न यार्ड मिलेट है। देखने में इस चावल का आकार बहुत छोटा और गोल साइज में होता है। चावल को 2 से 3 पानी से धो लेंगे अच्छी तरह से, और इसे पानी अच्छे से डाल के 2 घंटे के लिए फूलने के लिए रखेंगे। 2 घंटे बाद इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने हटा दिया है, अब इसे ग्राइंड करेंगे। तो एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे, जिसमें इस चावल को डालेंगे। थोड़ा बहुत पानी जाएगा इसमें, 2 से 3 चम्मच पानी डाल के आप इसे एज ए फाइन पेस्ट ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये चावल का बैटर तैयार है। इस बैटर को एक्स्ट्रा पानी डाल के पतला करेंगे। पतला इतना करेंगे जैसे फुल क्रीम दूध की कंसिस्टेंसी होती है, उतना पतला करेंगे। इसमें सेंधा नमक डालेंगे, जो नमक व्रत में खाया जाता है। मिक्स करेंगे। इसमें सब्जियों में बारीक कटा हुआ गाजर डाल रही हूँ, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और हरी मिर्च मिला रही हूँ। गाजर को मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चॉपर के थ्रू बिल्कुल चॉप कर लिया है। मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा अभी साइड में रखते हैं सेट होने के लिए। यहाँ पर व्रत में खाई जाने वाली हरी चटनी बनाएंगे। ताज़ा नारियल लेंगे, हरी मिर्च लेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे, सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा का पाउडर और गाढ़ी दही डालकर इसे पीस लेंगे। यहाँ पर हरी चटनी तैयार है। तो हरी चटनी बन गई है, चलते हैं डोसा बनाने के प्रोसेस पे। डोसा का जो चावल का बैटर है वो नीचे बैठ सकता है, सब्जियाँ नीचे बैठ सकती हैं बर्तन के तले पे। तो जब भी आप तवे पे डोसा डालेंगे तो एक बार करछी से बर्तन के तले से चलाते हुए इसे हिला लेंगे, और फिर बैटर को करछी में उठा के तवे पे डालेंगे। तवा इसमें फुल हीट रखेंगे, क्योंकि पतला है बैटर। तो तवे को पहले अच्छे से हाई फ्लेम पे गर्म करना है, और किनारे से डालते हुए जहाँ पे आपको जगह खाली मिले वहाँ पे बैटर को डालते जाना है। डालते हुए भी फ्लेम बिल्कुल हाई होना चाहिए। थोड़ा सा देसी घी या फिर मूंगफली का तेल इस पे डाल सकते हैं, हल्की सी इसकी अच्छी कुकिंग के लिए। तो कुछ 1 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे। उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके इसे क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो नीचे से अच्छे से ये सेक गया है, जालीदार और क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हुआ है। तो नवरात्रि के व्रत में या आने वाले किसी भी व्रत में इस रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं। गर्मा गर्म इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।